राधे राधे आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज इस पोस्ट में हम आपके लिए लेकर के आए हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा बताए गए कुछ ऐसे कारण और उपाय जिनकी वजह से व्यक्ति गरीब रहता है। हिंदू धर्म में जीवन को सुखमय बनाने के लिए कई उपायों के बारे में बताया गया है। माना जाता है अगर व्यक्ति उन नियमों का नियमित रूप से पालन करता है तो उसके जीवन में आ रही परेशानियां काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। आज हम आपको उन पांच कारणों के बारे में बताएंगे जिनकी वजह से परिवार वालों की तरक्की नहीं होती है। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो आए दिन अपने दिव्य दरबार लगाते हैं और अपने दरबार के चलते वो चर्चाओं में बने रहते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी बिना बताए लोगों की परेशानी समझ जाते हैं और उनका समाधान भी उन्हें बता देते हैं। इसके अलावा वो हिंदू धर्म से जुड़े कई नियमों के बारे में भी बताते हैं। उन्होंने उन सभी कारणों के बारे में बताया जिसकी वजह से व्यक्ति के घर में खुशहाली नहीं आती है। आज हम आपको पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा बताए गए उन पाँच कारणों के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से व्यक्ति को जीवन में सफलता नहीं मिलती है। इसके अलावा उसके घर में हर समय कलेश बना रहता है। गुरु जी ने पहला कारण जो बताया वो था कुलदेवी की पूजा ना करना। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के अनुसार कई बार व्यक्ति की तरक्की इसलिए भी रुक जाती है क्योंकि वो अपनी कुलदेवी की पूजा नहीं करता है। माना जाता है कि जो लोग नियमित रूप से अपनी कुल देवी की पूजा करते हैं उनके घर में वास्तु दोष नहीं लगता है, घर में हमेशा शांति बनी रहती है। तो ये था घर में गरीबी आने का प्रमुख पहला कारण। और दूसरा कारण जो बताया गुरु जी ने वो था पूजा पाठ का ना करना। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के अनुसार जिस घर में नियमित रूप से पूजा पाठ नहीं होता है वहाँ कभी भी धन की देवी का वास नहीं होता। माना जाता है कि माता लक्ष्मी केवल उस घर में रहती है जहाँ पूजा पाठ किया जाता है। जिस घर में पूजा पाठ नहीं होता वहाँ नकारात्मक शक्तियों का वास होता है जिससे परिवार वालों की तरक्की नहीं होती है। तो ये भी एक प्रमुख कारण है। और अगला कारण जो गुरु जी ने बताया वो था गुरु का मार्गदर्शन नहीं लेना। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के अनुसार जो लोग बिना किसी गुरु के तंत्र मंत्र का जाप करते हैं कई बार उन्हें भी दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल तंत्र मंत्र की पूजा को हमेशा गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए, नहीं तो इसके नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। और गुरु जी ने जो अगला कारण बताया वो कारण है भगवान को कोसना। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी बताते हैं जो लोग हर समय भगवान को कोसते रहते हैं उनके घर में कभी भी धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इसीलिए चाहे आपका अच्छा समय चल रहा हो या फिर बुरा, भगवान की हमेशा पूजा करनी चाहिए और भगवान के बारे में कभी कोई गलत शब्द नहीं निकालना चाहिए मुँह से। और जो अगला कारण गुरु जी ने बताया वो था बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करना या महिलाओं का सम्मान ना करना। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का मानना है कि जिस घर में लड़कियों का सम्मान नहीं होता वहाँ धन की देवी यानी माता लक्ष्मी का पास नहीं होता। इसीलिए हमेशा अपने घर की औरतों और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। इससे माता प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने का आशीर्वाद देते। तो दोस्तों ये थे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा बताए गए वो पांच कारण जिसकी वजह से व्यक्ति को कभी सफलता नहीं मिलती और घर में दरिद्रता बनी रहती है। उम्मीद करती हूँ आप इस जानकारी से लाभ उठाएंगे और इन सभी कारणों को दूर करेंगे।
ताकि आपके घर में भी माँ लक्ष्मी का प्रवेश हो सके और हमें आप इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आपसे सीख मिलेंगे किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपना ध्यान रखें। आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सोसी सहित गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे कि पोस्ट बनाने समय काफ़ी दिक्कत होती है, सांस फूलती है तो आवाज़ सही नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना साथ और सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप सभी साथी हमारा सहयोग जरूर करेंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, जय माता।